सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप इस सिचुएशन में सही से होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ पे भी हो सही से अच्छे से रहेंगे। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आप जो भी ये बच्चे लेक्चर देख रहे होंगे, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी डाउट्स इन व्हाट्सअप। अगर आपको डाउट सेशन में प्रॉब्लम होती है कि सर मैं डाउट सेशन में नहीं पूछना चाहता, आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं बेटा। आप बिफोर नाइट को 9 o'clock से पहले, 9 बजे से पहले, आप दिन पूरे दिन में अगर मैं फ्री रहा तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। तो प्लीज़ इस माई रिक्वेस्ट, स्टे कनेक्टेड विथ योर एनी टीचर, चाहे मैं हूँ, चाहे मैथ्स वाले सर हो या फिजिक्स वाले, आप सबसे कनेक्ट रहिए। एटलीस्ट आप बताते रहिए कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सी बेटा, ऑनलाइन है, हम दूर हैं थोड़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे कनेक्ट नहीं हो सकते। आप कभी भी बेहिचक डाउट पूछ सकते हो, इसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप डाउट पूछिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, आप अपने डाउट्स को अपने तक मत रखिए, ठीक है। इट्स माई रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट एवरी वन, क्योंकि जो आपने गलती पहले लॉकडाउन में किया है, प्लीज़ उस गलती को दोबारा दोहराइए मत, ठीक है। एक बार जो चैप्टर अच्छे से एक बार ख़त्म हो जाता है, और ट्वेल्थ के, बिलीव मी, ट्वेल्थ के सारे टॉपिक ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़े बहुत आपको केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैलकुलेशन वाला पार्ट भले हार्ड हो सकता, बाकी अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली टॉपिक्स ही बहुत सारे ईजी है, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू। आज मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और अगर आज चैप्टर आपका फिनिश होता है तो कल आपका जो लास्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, जो मैंने अभी तक आपको करवाए नहीं है। तो हम देखेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कल हम जेई एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम डिस्कशन करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा डिफ्यूजन का। किसका कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा? डिफ्यूजन का। अब ये होता क्या डिफ्यूजन वगैरह, एक मिनट के लिए देखो आप। देखो डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, और इसको एक मैंने मेम्ब्रेन से डिवाइड किया। क्या क्या मेम्ब्रेन? एक तरीके का छलनी, चाय की छलनी होती है ना, जैसे उसमें आप कैसे चाय छानते हो, उसी तरीके से मेम्ब्रेन एक छलनी टाइप का होता है सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन वन लिया है जिसका कंसंट्रेशन C1, और यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्यूशन टू लिया है जिसका कंसंट्रेशन C2। मैं ये मान रहा हूँ C1 का कंसंट्रेशन C2 से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूट एक्सेस किस सॉल्यूशन में होगा बेटा, जल्दी बताओ। वेरी गुड, C1 वाले में होगा। और सॉल्वेंट एक्सेस किस में होगा बेटा? सॉल्वेंट एक्सेस होगा C2 के अंदर। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे तो जो ज़्यादा होगा वो इधर जाएगा, और यहाँ पे जो ज़्यादा होगा वो इधर जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या है बेटा? यहाँ पे ज़्यादा है सॉल्यूट। तो लेफ्ट से राइट का मूवमेंट होगा सॉल्यूट का, और C2 में सॉल्वेंट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का क्या होता है बेटा? मोमेंट होता है। आई बात समझ सबको? और ये कब तक मोमेंट होते रहेगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन एक बार के लिए क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तो डिफ्यूजन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर दो कंसंट्रेशन को आपने दो सॉल्यूशन लिया एक ही कंटेनर में, बट दोनों अलग अलग कंसंट्रेशन का लिया, और आपने उनको मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया। मेम्ब्रेन का बस काम इतना ही होता है, आपको याद करो मेम्ब्रेन वाले क्वेश्चन मैंने आपको गैसियस स्टेट में भी कराया था, याद है? स्टॉपर लेके हम फिक्स कर देते हैं, फिर वो मेम्ब्रेन इधर उधर होता है। तो मेम्ब्रेन किसी एक, कोई मेम्ब्रेन दोनों गैस को अलाउ करता है, कोई मेम्ब्रेन सिर्फ एक गैस को अलाउ करेगा। तो हम ये मान के चल रहे यहाँ भी जो मेम्ब्रेन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अलाउ करता है। तो भैया यहाँ से यहाँ कौन सा जाएगा? सॉल्यूट तो जाने से, तो सॉल्यूट ऑलरेडी कम है, तो यहाँ से यहाँ कौन जाएगा? सॉल्वेंट जाएगा। यहाँ से यहाँ कौन जाएगा? सॉल्यूट जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है लेफ्ट वाले पार्ट ऑफ कंटेनर में, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता ऑस्मोसिस का। किसका आता कॉन्सेप्ट? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा? ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको हम SPM बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा? SPM। SPM का क्या नाम क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है?
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मतलब परमिट कर रहा है और सेमी मतलब किसी एक को करेगा। तो जनरली जो ऑस्मोसिस करते हैं, जो हम SPM ये यूज़ करते हैं, ये SPM सिर्फ उसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर से पास करने को अलाउ करता है। तो अगर यहाँ पे मैं वैसे ही सेम मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है और कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 है और कंसंट्रेशन C2 है, तो यहाँ से यहाँ सॉल्यूट का तो मूवमेंट अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल तो पास करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट SPM जो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपने अंदर से सॉल्वेंट को पास करता है। जैसे आप चाय छन्नी चाय छानते हो, तो चाय में क्या होता है, देखो जो चाय वाला जो लिक्विड होता है वो तो नीचे आ जाता है, बट चाय पत्ती अदरक और जितने भी वगैरह जो अदर पदार्थ होते हैं वो तो छलनी के ऊपर ही रह जाता है। तो चाय का जो छलनी है वो एक तरीके का काम क्या करता है, SPM का काम करता है, ठीक है, वो अपने में से सिर्फ एक चीज को ही अलाउ करेगा। तो उसी तरीके से SPM भी क्या होता है, एक तरीके का छलनी होता है जिसमें से वो क्या करता है, सिर्फ एक पार्टिकल को अलाउ करता है, वो पार्टिकल कौन सा होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, ठीक है। तो पहले मैं SPM के डेफिनेशन लिख देता हूं भैया। SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज द मूवमेंट ऑफ only solvent particle through it, which allows only मोमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू इट। अब इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, कुछ NCERT में दिए होंगे, कुछ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ 12th के NCERT आपको पढ़ना मस्ट कंपलसरी हर टॉपिक का, ठीक है। तो जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाए एक बार NCERT रीडिंग जरूर डालिए, स्पेशली जो एग्जाम्पल्स होते हैं NCERT के वो डायरेक्टली JEE मेन्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल होता है एनिमल मेम्ब्रेन होता है SPM का एग्जाम्पल। ये होता है क्या, ये नेचुरली होता है और एक मैनमेड होता है, वो क्या होता है Cu2FeCN6। ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, SPM के, ठीक है। अब एक्चुअली ऑस्मोसिस क्या होता है, तो देखो आप देखो नेट मूवमेंट कहाँ पे हो रहा है, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है नेट, सॉल्यूट तो जाएगा नहीं, सॉल्यूट यहाँ से देखो यहाँ से मैंने क्या बोला, सॉल्यूट नहीं जाएगा, बट थोड़े बहुत सॉल्वेंट तो जा सकते हैं, थोड़े बहुत तो सॉल्व, मैंने क्या बोला SPM सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, तो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ भी सॉल्वेंट जाएगा, लेकिन उतना नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। तो नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर कंसंट्रेशन लो है तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, हाई होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो वेपर प्रेशर। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, वैसे किसी भी अगर आपको दो सॉल्यूशन के बीच में ऑस्मोसिस प्रोसेस करवाना है तो उनका एक तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए उनका क्या, वेपर प्रेशर का डिफरेंस। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, द नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, और ये बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, अब देखो स्पॉन्टेनियस मतलब ये आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे होता है तो करंट ऑटोमेटिकली पास करता है, वैसे अगर वेपर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो ऑस्मोसिस अपने आप होगा, ठीक है। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो ठीक है, अगर स्पॉन्ट मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए सॉल्वेंट का, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन या हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर, ठीक है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ
डिफरेंस कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में पहला कौन सा क्या है, एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेकिन ऑस्मोसिस किसके लिए एप्लीकेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए, एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला, मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बोथ और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टेक्स प्लेस, दोनों का मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ किसका मूवमेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है बेटा। तीसरे कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे SPM का कोई रोल नहीं होता, नो रोल ऑफ SPM, ठीक है, यहाँ पे कोई भी SPM का रोल नहीं होगा, बट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल विदाउट SPM, SPM के बिना ये पॉसिबल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर एक बार डिफ्यूजन हो गया तो उसको रोका भी नहीं जा सकता ना रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स, कैन नॉट बी स्टॉप और रिवर्स, मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बार अगर आपने अगरबत्ती जला दिया और हवा में वो फैल गया उसकी स्मेल, तो क्या वो उसका आप उसको वापस से अगरबत्ती बना सकते, नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बार अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट भी हुआ तो बाई अप्लाइंग प्रेशर आप फिर से इनको रिवर्स भी कर सकते हो, इनको रोक भी सकते हो, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कैसा होता है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या होता है, इट कैन बी रिवर्स, इट कैन बी रिवर्स्ड और स्टॉप, दोनों इसको रोका भी जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। आई बात समझ में, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जैसे सपोज करो ये कोई मेरा सॉल्यूशन है और यहाँ पे मैंने एक फनल वाला ट्यूब लिया, फनल वाला ट्यूब लिया और इसके उसके ऊपर में मैंने क्या किया, SPM लगाया हुआ, क्या लगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन मेरा क्या है, C2 है और यहाँ तक मैंने क्या भरा हुआ, यहाँ तक मैंने भरा हुआ है सॉल्यूशन C1, इसके अंदर मेरा क्या है, फनल वाले ट्यूब में मेरा क्या है, C1 है और इसमें C2 है, अगेन मैं अभी भी मान रहा हूँ C1 इज ग्रेटर देन C2, तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाने लगेंगे, ऑस्मोसिस होगा इनके बीच में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अंदर जाने लगेंगे और ये जो प्रेशर इंक, मान लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो ऑब्वियस बात है ये लेवल बढ़ जाएगा, ये सपोज करो ये लेवल जो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ ये यहाँ तक बढ़ गया, मतलब एच हाइट तक बढ़ गया, तो इसी जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हुआ इस सॉल्यूशन के ऊपर वही मेरा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या होता है वही मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब यहाँ पहले ए पे था अब ये पॉइंट बी तक चला गया, तो ये जो हाइट हुआ इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, को हम पाई से डिनोट करता है और इसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या हो उसको बोलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अंदर जाने का इसका हाइट बढ़ने लगेगा और ये हाइट की वजह से जो एक्स्ट्रा हाइट की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन के ऊपर उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप्ड ओवर अ सॉल्यूशन, डेवलप्ड ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन
किसके ऊपर ये एक्स्ट्रा प्रेशर किसके ऊपर डेवलप होगा, हाई कंसंट्रेशन वाले के ऊपर, ठीक है, ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस, ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। आई बात समझ सबको, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे ये बातें। और इसका एक और, ये तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया तब है, अगर इसका एक बहुत डिफरेंट करके तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं, कैसे बताता हूँ मैं। एक तो डेफिनेशन ये होता है कि भाई जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड हुआ हाई कंसंट्रेशन वाले में, ठीक है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे सेकेंड केस मैंने क्या लिया, सपोज कर एक कंटेनर लिया और उसको मैंने क्या किया, एसपीएम से डिवाइड किया, ठीक है, क्या किया, एसपीएम से डिवाइड किया। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सॉल्यूशन ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट, ठीक है। और इस तरीके से मैं मान लो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पिस्टन बना दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पिस्टन बना दे रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करने लगेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे, C1, मान लो सॉल्यूशन C1 है, कंसंट्रेशन C1 है, तो अब क्या होगा, सपोज करो मुझे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रोकना है, तो मैं इतना प्रेशर यहाँ तक अप्लाई करूँगा ताकि इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो वही इसको फिर अगर अदर डेफिनेशन के फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, भाई मैंने इतना प्रेशर लगाया यहाँ पे ताकि इनका मूवमेंट क्या हो चुका है, रुक चुका है, और जो प्रेशर हम लगाते हैं और जिससे मेरा ऑस्मोसिस रुक जाता है, उस प्रेशर को भी हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे भी मैं एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट या स्टॉप, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हो, टू प्रिवेंट द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस the phenomenon of osmosis is known as osmotic pressure. और यहीं पे हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यहीं से फॉर्मूला आता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, सेम तरीके से फॉर्मूला होता है क्या, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर बात करूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अगर क्या किया, मैंने यहां पे अगेन यहां पिस्टन वाला कंटेनर लिया, ठीक है, और यहां पे अगेन मैंने क्या किया, एसपीएम डिवाइड कर दिया। तो यहां पे एक सॉल्यूशन 1 है और यहां पे सपोज करो सॉल्यूशन 2 है, ये C1 और ये C2, और अगेन C1 इज ग्रेटर देन C2, तो अगेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का यहीं पे होगा, यहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगा, तो अगेन मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं ताकि मेरा क्या हो जाए, ये रुक जाए। तो यहाँ के लिए जो पाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू C1 माइनस C2 इंटू RT। मतलब यहाँ पे कब तक ऑस्मोसिस होते रहेगा, या आप कितना प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना इनका कंसंट्रेशन का क्या हो, डिफरेंस हो, और जितना कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात आपको समझ में, जब देखो जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है तो पाई बराबर CRT होगा, लेकिन जब दोनों तरफ सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन आप क्या लोगे, उनका डिफरेंस लोगे, नेट नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक इन
के बराबर ना हो जाए, C1 - C2 के बराबर ना हो जाए। अगर C1 - C2 के बराबर हो चुका है तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा, रुक चुका होगा, मोमेंट रुक चुका होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। समझ में आई बात? तो मुझे कम से कम इतना ही प्रेशर लगाना है किसके बराबर, जिनके C1 - C2 और RT का प्रोडक्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि ये मेरा नेट मोमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर फॉलोइंग, पहला है 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ठीक है। सेकेंड 30% W/V, 30% W/V यूरिया सॉल्यूशन एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तीसरा है डेसीमोलर K4FeCN6, जिसमें अल्फा है 75% एट 227 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ हो जाएगा 2 मोलर एसेटिक एसिड CH3COOH सॉल्यूशन इन बेंजीन, कितने टेम्परेचर पे, एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका बोला ये, तो अगेन फॉर्मूला क्या लगाओगे, मैं आप वीडियो पॉज करोगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या करोगे, अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। एक मिनट जस्ट, तो आई होप आप अटेम्प्ट कर लिए होगे। तो पाई बराबर क्या होगा, CRT, आई की तो वैल्यू ग्लूकोज के लिए क्या रहती है, 1 रहती है, तो 0.2 × 0.08, क्योंकि यहाँ पे हमें ATM में प्रेशर निकालना था, तो R की वैल्यू हमेशा पाई इक्वल टू CRT में R की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0.08 × 300। तो जो भी होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे भी I की वैल्यू 1 हो जाएगी, 30% यूरिया बोला तो 30 × 10/60, याद है W/V × 10 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये मोलरिटी हो गया। तो कंसंट्रेशन आप यहाँ पे मोलरिटी ही लेके चलोगे, मोलरिटी भी दिया हो तो आप उसको मोलरिटी मान सकते हो, क्योंकि ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन मोलरिटी बराबर हमेशा क्या होता है, मोलरिटी, ठीक है। तो 0.08 हो जाएगा, 8 × 400 हो जाएगा, ये आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो, डेसी मोलर मतलब कंसंट्रेशन तो 0.1 दिया हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + N − 1 × α। अब देखो एक बात और है, K4FeCN6 किस में टूटेगा, ये टूटेगा 4K+FeCN6 4-, मतलब यहाँ वाला चार्ज तो यहाँ चला जाएगा और यहाँ वाला जो वन चार्ज है वो यहाँ आएगा, और फोर जो है फोर एटम में केक है तो टोटल कितने, अच्छा 5, तो यहाँ पे 5 लिखोगे तो 1 + 5 - 1 × 4, अल्फा कितना दिया 75/100, तो 25 3 जो 4 जो 4 कैंसिल, तो अल्फा आई की वैल्यू कितनी आई 1, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा 0.1 × 4, ठीक है, × 0.08 × कितना हो जाएगा 273, मतलब 500, ठीक है। तो आई होप सो आप ये कैलकुलेट करके मुझे बताओगे कितना आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक एसिड का थोड़ा स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी एक पॉइंट हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी कार्बोसिलिक एसिड का ग्रुप, कार्बोसिलिक एसिड इन बेंजीन ऑलवेज फॉर्म
डाइमर। क्या फॉर्म करता है बेटा, ये स्पेशल आपको याद रखना पड़ेंगे, बाकी चीज़ें आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे उनको डिटेल में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा क्या फॉर्म करता है, बेंजीन में डाइमर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, डाइमर। मतलब अगर आप 2CH3COOH डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सपोज करो CH3, ठीक है, CO, ठीक है, H, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक बॉन्ड बनाता है O डबल बॉन्ड CO CH3। तो आप देख रहे हो एक तरीके से क्या बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। ये दोनों बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये कौन सा बॉन्ड होता है, H बॉन्ड फॉर्म कर लेता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि एक H, माई मिस्टेक, यहाँ पे जो H होगा ये इसके साथ बनाता है, ये वाला H, तो ये वाला एक ये और एक ये, ठीक है, ये वाला इसका H इसके साथ बनाता है और इसका H इसके साथ बना लेता है। तो एक तरीके ये क्या फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। तो N बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब याद करो I बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी, अल्फा अगर मैं 1 मान रहा हूँ तो आई की वैल्यू हाफ हो जाएगी, जो हमने सीखा भी था एसोसिएशन वाले केस में। तब बस कुछ नहीं, पाई बराबर क्या हो जाएगा, ICRT, और आई की वैल्यू 1/2 पुट करके टेम्परेचर आपको दिया हुआ था। आई होप सो यस, मल्टीप्लेशन आप क्या कर लोगे, निकाल लोगे, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे अच्छे लेवल के इसके ऊपर, ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725% W by V solution ऑफ KCl एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 21.6 atm, इज 21.6 atm, ठीक है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl, ठीक है। तो आई होप सो बहुत आसान क्वेश्चन है, पाई दिया हुआ है आपको, पाई बराबर ICRT लगाना है। पाई आपको 21.6 दिया हुआ, सी कितना दिया हुआ, सी डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला लगा, मोलिटी का R into T, सब आपको दिया हुआ, तो आई बराबर आ जाएगा। और आई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं N-1 + N-1 × α करके निकाल सकते हैं। तो चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, 21.6 बराबर क्या होगा, I × 3.725 × 10 / व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हो जाएगा KCl का जो मोलिकुलर वेट होता है 74.5 होता, कितना होता 74.5 × 0.08 × टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ 300। तो आई होप सब आई की वैल्यू करके, आई की जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 + N-1 × α, तो यहाँ पे 1 + N की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। तो आई होप सो यहाँ से आप अल्फा निकाल के मुझे आप बताओगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपना। 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 atm इज मिक्स्ड विथ 300 ml ऑफ सॉल्यूशन
हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm, ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm determine final osmotic pressure of solution. Determine final osmotic pressure of solution. देखो आप इसको दो तरीके से बात कर सकते हो भैया. एक नंबर लाइन सिस्टम में 2 और 4 osmotic pressure है, ठीक है. अगर वॉल्यूम इक्वल रहता था तो ऑब्वियस बात है 2 और 4 का एवरेज कितना आता था 3, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम एक का 100 है, दूसरे वाले का 4 वाले का कितना 300, तो नेट ऑस्मोटिक प्रेशर 3 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब 3 और 4 के बीच की वैल्यू रहेगी. आई बात समझ में? अगर डायरेक्ट ऑप्शन में है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो, लेकिन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व सिंपल से करना. पाई बराबर क्या होता है, सी आर टी, आई की वैल्यू 1 मान के चलो यहाँ पे, तो ये 2 दिया हुआ है. सी बराबर क्या हो जाएगा, N1 बाय 100 इंटू आर टी, तो N1 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगी, 200 बाय RT, क्योंकि आप दो चीज़ को मिक्स कर रहे हो, तो उनका वॉल्यूम भी ऐड होगा, उनका मोल्स भी ऐड होगा. और पाई यहाँ पे अगर कितना 4 है, N2 बाय 300 इंटू आर टी, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की वैल्यू हो जाएगी 1200 बाय RT हो जाएगा. तो अगर नेट फाइनल वॉल्यूम की बात करूँ तो CRT बराबर कितना हो जाएगा, फाइनल P फाइनल जो हो जाएगा, C को मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 प्लस N2 बाय 400 इंटू RT, पुट द वैल्यू N1 N2 RT कैंसिल हो जाएगा, गेट द आंसर, ठीक है. तो आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है. तो दिस वाज योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बच रहे हमारे, ओके, तो उसको भी हम कर लेते हैं. उसके बाद ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका क्या हो चुका हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. अगर मैं बात करूँ रिवर्स ऑस्मोसिस की, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल, रिवर्स ऑस्मोसिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आरओ, जो आप कैंट आरओ यूज़ करते हो ना अपने घर में, कैंट आरओ. आरओ क्या होता है, आरओ वही होता है कि जैसे ऑस्मोसिस में क्या होता था कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता था लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है. जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने लिया कोई सॉल्यूशन और यहाँ पे मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, और इतना जैसे यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर आप प्रेशर अप्लाई नहीं करते थे तो यहाँ पे क्या होता था, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता था, लेकिन मैंने प्रेशर इतना एग्जर्ट कर दिया कि इनका तो रुक ही गया, साथ ही साथ यहाँ के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पे क्या करने लगेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगेंगे, क्योंकि आपको प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करना. अगर मान लो सिर्फ आपने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर तक अप्लाई किया तो सिर्फ इधर से इधर का मूवमेंट रुकेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा कर दिया तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल भी कहाँ चलने लगे, इधर चलने लगेंगे. और जब ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस. इसी पर तो बेस्ड आपका कैंट आरओ, जो भी इम्प्योर वाटर होता है और वाटर यहाँ पे अगर प्योर वाटर लेता है तो क्या होता है, इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर यहाँ की तरफ क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है. और यही आपका कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स ऑस्मोसिस का, इससे आपको प्योर वाटर भी मिलता है. तो इसको मैं बोल देता हूँ, इफ प्रेशर अप्लाइड, If pressure applied over a solution side, if pressure applied over a solution side is greater than expected osmotic pressure, then movement of solvent particle will take place from high concentration solution to low concentration solution, will takes place from high concentration to low concentration solution, that is in
रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज इन रिवर्स डायरेक्शन विच इज नोन एज, विच इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इनका यूज कहाँ हो जाता है, डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। क्या बोलते हैं हम इसको, डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर। बेटा दुबई वगैरह में पानी का कोई अपना सोर्स नहीं है, तो ड्रिंकिंग वाटर वो क्या करते हैं, यहाँ पे सी वाटर रखेंगे, यहाँ प्योर वाटर रखेंगे, और अगेन वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सॉल्यूशन जो भी सी वाटर में प्योर वाटर होगा वो इस तरफ जाने लगेगा, और इस तरीके से सी वाटर को हम क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, या हम जो यूज़ करते हैं आर ओ इन वाटर प्योरीफायर, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है, प्योरीफायर, तो वो भी क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो, अब तक हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन किया था, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, दो दैट इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अब जो हम टाइप्स, अब ये तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो चुका है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनके प्रैक्टिकल यूज बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको, तो बेसिकली अगर मान लो दो सॉल्यूशन है, सपोज करो यहाँ पे सॉल्यूशन वन है और यहाँ सॉल्यूशन टू है, अगर सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो बात है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा या तो दोनों का अलग अलग होगा। तो अगर दोनों का सेम है तो दिस सॉल्यूशन आर सेट टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो जिसका ज्यादा है तो ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब देख, अब आपने वर्ड सुना, अरे अरे बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है, गुस्सा कर रहे हैं, तो गुस्सा मतलब क्या, हाइपर होना मतलब गुस्सा ज्यादा आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसका हाइपोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो इनके एग्जांपल भी मैं प्रैक्टिकल बता दूं कि इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अगर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तभी हो सकता है जब दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, एंड हैव सेम कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब पाई वन बराबर क्या कर सकते हो आप, पाई टू। लेकिन दो बातें याद रखना, पाई वन बराबर पाई टू तभी हो सकता है, कुछ बातें यहाँ पे जेई आपको कंफ्यूजन कर सकता है, सी वन बराबर सी टू होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, जब दोनों बहुत क्या हो मेरे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। आई सी वन बराबर क्या हो, सी टू, मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा प्लस दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा, दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉरी गले में कुछ फंस रहा है। और दूसरी बात क्या हो सकती है, आई वन सी वन बराबर क्या होता है, I2 C2, मतलब या तो दोनों क्या होंगे मेरे, इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब दोनों सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो क्या होगा, पाई वन पाई टू तभी बराबर होता है जब आई वन सी वन बराबर क्या होगा, आई टू सी टू। अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई सी वन बराबर क्या होगा, आई सी टू। जेई 2009 पे इसी पे क्वेश्चन आया था बेटा, और मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए थे, क्यों, क्योंकि उनको आइसोटोनिक का मतलब पाई वन बराबर पाई टू, आई तो देखते ही नहीं भैया, एक इलेक्ट्रोलाइट है तो दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई बराबर आई सी वन, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो आई इंटू सी वन का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे वाले के सी टू के बराबर होगा, तभी वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दूसरा है,
दूसरा है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सॉल्यूशन हैविंग लो ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग लो या लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल क्या हो जाता है हाइपरटोनिक का, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या बोलेंगे। अब इनमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है श्रिंक, श्रिंक और एक होता है स्वेल। अब ये श्रिंक और स्वेल का मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। श्रिंक तब होगा जब लॉस ऑफ फ्लूइड होगा, किस आप देखो कि पानी में आप हाथ दर डालो तो देखो आपकी चमड़ी कैसे हो जाती है, थोड़ी कैसे हो जाती है, श्रिंक टाइप की हो जाती है, थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी हो जाती है, चमड़ी देखो नरम पड़ जाती है, मतलब चमड़ी में से क्या होता है पानी क्या हो जाता है लॉस होने लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड। लॉस ऑफ फ्लूइड किस में से होता है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, कम हो, हाइपो। देखो लॉस ऑफ फ्लूइड तभी हो सकता है जब यहाँ का अंदर का मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर, अंदर का कंसंट्रेशन कम हो, बाहर का कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब आप क्लोरीन वाले पानी में बहुत ज़्यादा देर तक हाथ को डिजोल्व करके रखोगे, अपने हाथ को डिजोल्व नहीं हाथ को अंदर रखोगे, तो चमड़ी के अंदर से पानी क्या निकल रहा है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर में भी क्या होता था, अगर जहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता था और यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन है तो इसका कंसंट्रेशन लो, इसका कंसंट्रेशन हाई है, तो सॉल्वेंट तरफ को मैं क्या बोलूँगा, सॉल्वेंट वाले को बोलूँगा हाइपोटोनिक और इसको क्या बोलूँगा मैं हाइपरटोनिक। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये सॉल्यूशन वन टू और ये सॉल्यूशन वन, ठीक है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा था तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये मेरे जिसका लॉस ऑफ लिक्विड होता है, लॉस ऑफ क्या होता है फ्लूइड हो रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा हाइपोटोनिक और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक में हमेशा क्या होता है फ्लूइड का लॉस होता है और हाइपरटोनिक में क्या होता है गेन ऑफ फ्लूइड होता है हाइपरटोनिक में, ठीक है। क्योंकि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा ज़्यादा होगा। आई बात समझ में, वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूँ। और वेपर प्रेशर ऑब्वियस बात इसका ज़्यादा होगा लेकिन इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा कम, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा लो कंसंट्रेशन वाले को हम क्या बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन वाले को हाइपरटोनिक। अब इसका एग्जांपल क्या, स्वेल मतलब गेन ऑफ फ्लूइड, हाइपर ऐसा समझो, जब आप इस हाथ को पानी में बहुत देर तक रखोगे तो चमड़ी नरम पड़ती है, क्यों नरम पड़ती है, क्योंकि ये मेरा क्या है हाथ मेरा क्या हाइपो हुआ और पानी मेरा क्या हुआ हाइपो, हाइपर हुआ पानी हाइपर हुआ और ये मेरा हाइपो हुआ, तो यहाँ से मेरा पानी निकलना चालू कर देता चमड़ी से, तो चमड़ी क्या होती है नरम पड़ने लगती है, भी लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ तो मेरा क्या हो गया चमड़ी श्रिंक हो गई है। दूसरा एग्जांपल देखो, आप क्या करते हो, जब आपने देखा होगा आपके घर में जब आम का अचार बनता तो मम्मी क्या करती है कैरी को काट करके, कैरी जो होता है ना रॉ मैंगो को हम क्या करते हैं पानी के अंदर, नमक वाले पानी के अंदर सॉल्यूशन में डिजोल्व करके रखते हैं। अब नमक वाला पानी का जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब वो हाइपरटोनिक हुआ और आम में कच्चा आम मेरे लिए क्या हुआ हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक में हमेशा क्या होता है लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, तो तभी देखना कुछ दिनों के बाद जब आप उसको नमक पानी वाले सॉल्यूशन डिजोल्व करके रखो तो आम देखो सिकुड़ने लगता है, आम क्या करता है सिकुड़ने लगता है, और उसके बाद हम उसको बाहर निकाल लेते हैं हल्दी वगैरह में डाल देते हैं तो सिकुड़े हुए आम का ही तो अचार बनता है। तो जो सिकुड़ जाता है वो क्या होता है मेरा हाइपोटोनिक और जो स्वेल कर जाता है वो हाइपरटोनिक। अब स्वेल कौन करता है, रॉ मैंगो इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि जब आप उसको नमक पानी में डाल रहे हो तो वो सिकुड़ रहा है हाइपोटोनिक है रॉ मैंगो। हाइपरटोनिक आप किशमिश वगैरह खाते हो, ठीक है, रेसिन शायद इंग्लिश में बोलते हैं, तो किशमिश वगैरह जब खीर में डालते हो तो देखो किशमिश में शुगर का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है और जब उसको पानी में या खीर में आप डिजोल्व करके रखोगे तो देखो किशमिश फूल जाती है थोड़ी, क्यों फूल जाती है, क्योंकि किशमिश एक हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है, तो इसका मतलब किशमिश का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या करेगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो पानी अपने अंदर क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए किशमिश क्या हो जाता है फूल जाता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक। आप आइसोटोनिक एग्जाम्पल दो, अगर कोई गलती से बीमार वगैरह पड़ जाता है,
या जो भी हमको इंजेक्शन मिलता है, तो जो भी इंजेक्शन का जो लिक्विड होता है बेटा, वो हमेशा उसके सीसी के अंदर देखना, छोटी सी सीसी में वो क्या करता है डॉक्टर, इंजेक्शन से फ्लूड भरता है, उस सीसी के अंदर हमेशा लिखा हुआ रहता है कि दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड वेसल, मतलब ब्लड के साथ वो क्या है मेरा, वो आइसोटोनिक होता है, ठीक है। आइसोटोनिक है क्यों, हो आइसोटोनिक, अगर आइसोटोनिक नहीं हो तो क्या होगा, तो देखो अगर आइसोटोनिक नहीं हुआ, मान लो आपने सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन का डाला, हाई कंसंट्रेशन का ब्लड के अंदर जाएगा, तो ब्लड जो सेल होता है ना बेटा उसमें क्या होगा, अगर हाइपरटोनिक का डाल रहे तो हाइपरटोनिक क्या करेगा, पानी जो भी अदर आसपास के जो सॉल्यूशन होगा उसका वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो आरबीसी से क्या करता है वो, ब्लड क्या कर लेता है, आरबीसी का जो भी उसका लिक्विड होगा आरबीसी के अंदर, उतना बायोलॉजी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आरबीसी क्या हो जाता है उस केस में, श्रिंक हो जाता है। क्यों श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि आपने हाइपरटोनिक का सॉल्यूशन डाला, हाइपरटोनिक का सॉल्यूशन डाला मतलब उस सॉल्यूशन का जो आप ब्लड के अंदर डाल लो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो आरबीसी क्या करेगा, श्रिंक करने लगेगा भाई, वो लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाएगा उसके अंदर से। अगर आप हाइपोटोनिक का डाल रहे हो, हाइपोटोनिक का क्या होगा, तो उसका ऑस्मोटिक ब्लड से, तो वो क्या करेगा, हाइपर जो सॉल्यूशन आपने हाइपोटोनिक वाला डाला उसमें से वो फ्लूड क्या करेगा, आरबीसी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आरबीसी क्या करने लगेगा, फूल जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है, हाइपरटोनिक से श्रिंक हो जाता है आरबीसी और हाइपरटोनिक से फूल जाता है, याद रखने इन चीजों को, मरना दोनों में तय है, चाहे श्रिंक करे या स्वेल करे, हाइपरटोनिक डालोगे तो श्रिंक करेगा तो भी मरोगे, हाइपरटोनिक डालोगे तो भी क्या करेगा, स्वेल करेगा तो भी मरोगे। इसलिए क्या होता है, जब भी हम कोई भी लिक्विड ब्लड के अंदर डालते हैं वो मेरा हमेशा आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ, आई बात समझ में। तो दिस वॉज योर ओवरऑल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हाइपरटोनिक टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम इसके अंदर, 5% W/V सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूट सॉल्यूट इज आइसोटोनिक विद इज आइसोटोनिक विद 6% W/V सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डिटरमाइन मोलर मास ऑफ अननोन, मतलब आपको डिटरमाइन करना अननोन सॉल्यूट का मोलर मास को। देखो आइसोटोनिक बोल रहा है मतलब पाई वन बराबर क्या होगा पाई टू, तो मतलब सी वन बराबर सी टू। अब यहाँ पे मैंने आई क्यू नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जब कुछ ना दिया जाए तो आई की वैल्यू 1 मान के चलो, ग्लूकोज का ऑलरेडी आई का वैल्यू 1 होता है, तो 5% इंटू 10 बाय मोलर मास, और इसको मैं क्या लिखूंगा 6% इंटू 10 बाय 180, ठीक है। तो आई होप से यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई 2004 में आया था, सॉरी 2004 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का 2004 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.004 सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 is isotonic with 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 0.1 mm सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट सेम टेम्परेचर कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना था, IC1 बराबर क्या था C2 था, ग्लूकोज क्योंकि मेरा क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रो, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं क्या करूंगा IC1 बराबर क्या होगा C2, तो I इंटू C1 कितना दिया हुआ 0.04 मोलर दिया हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा C2 के, आइसोटोनिक विद 0.1 mm सॉल्यूशन, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 by 0.04, दैट इज नथिंग बाय 100 by 40,
तो दिस कैंसल, तो 10/4 मतलब कितना हो जाएगा 2.5। तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, विच इज इक्वल टू 1 + (n-1). Na2SO4 का n कितना हो जाएगा 3, 3-1 × 2α। तो ये कितना हो जाएगा 1.5 बराबर क्या हो जाएगा 2α। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15/20। ये वैल्यू जब परसेंटेज में आ जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 75% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, यहाँ तक मेरा सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, खत्म होता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक जा रहा है हेनरीज लॉ, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, ठीक है, वो हमेशा मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ। अब देखो, आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको डिफाइन किया गया। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखा होगा और एग्जांपल दिया होगा। अगर मैं सॉल्वेंट क्या ले रहा हूँ, सॉलिड ले रहा हूँ, जैसे इस टाइप के एग्जांपल जो आपके दिए होंगे बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन टाइप, ये प्लीज इनके एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सॉल्यूट ले रहा हूँ और मैं क्या ले रहा हूँ, सॉल्वेंट ले रहा हूँ और इनके एग्जाम्पल, तो अगर पहले मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सॉलिड और सॉल्यूट में क्या ले रहा हूँ, पहले सॉलिड ले रहा हूँ, पहले लिक्विड ले रहा हूँ, फिर गैस ले रहा हूँ, फिर सॉल्वेंट क्या ले रहा हूँ, मैं लिक्विड ले रहा हूँ, फिर सॉलिड क्या ले रहा हूँ, सॉलिड ले रहा हूँ, फिर लिक्विड ले रहा हूँ, फिर गैस ले रहा हूँ, फिर ऐसे ही सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, गैस। तो इनके जो एग्जाम्पल होंगे बेटा, इनके बस आपके एग्जाम्पल याद रखना। हालांकि ये जेई एडवांस से कभी ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मेंस वगैरह में कभी एक आध बार क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बट आजकल पैटर्न मेंस का भी चेंज हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन कम आता है तो क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड है, ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा। बट मेरे सलाह ये रहेगी एक बार इसको देख के जाना, बस देख लेना कि इनके एग्जांपल्स क्या होता है। ठीक है, बट इन्हीं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक एग्जांपल आता है, ठीक है, वो क्या है वो चलो बात करते हैं। अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे वो हमने सॉल्वेंट क्या लिया था, सॉल्वेंट बेटा मैंने लिक्विड लिया था, और सॉल्यूट मैंने या तो सॉलिड लिया था या तो मैंने क्या लिया था, गैस। क्या लिया था, सॉलिड। मतलब आप हम जो पढ़ रहे इस चैप्टर में वो ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड लिक्विड वाला RLVP हो गया, लिक्विड वाला मतलब वेपर प्रेशर हो गया, वो वेपर प्रेशर वाला केस RL मतलब रॉड्स लॉ का सेकंड केस, दोनों वोलाटाइल नेचर के लिए, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल, ये दोनों हट चुका है। बस एक जो आपका टॉपिक बच रहा है, गैस को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब उनके फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आपको पूरे चैप्टर में यही इसी टाइप के सॉल्यूशन को पढ़ना है। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं अगेन हम। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो पहला टाइप जो आ रहा है मेरा, सॉलिड इन सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो टाइप आ रहा है मैं सॉलिड इन सॉलिड, मतलब क्या कर रहे हो, सॉलिड एज ए सॉल्यूट ले रहे हो, सॉलिड एज ए क्या ले रहे हो, सॉल्वेंट ले रहे हो। तो जब दो सॉलिड्स को आप मिक्स करते हो तो एक होमोजीनियसली मिक्स किया, तो हमेशा दो सॉलिड अगर वो होमोजीनियसली मिक्स हो गया तो एक क्या फॉर्म करता है, अलॉय को फॉर्म करता है। जैसे अलॉय ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन हो गया, सिल्वर हो गया, ब्रास हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, अलॉयज। तो मैं लिख देता हूँ, when two solids are mixed together homogeneously they form an alloy, alloy को form करते बेटा। ठीक है, अब इसका example कौन सा हो जाता है, example हो गया brass, bronze, ठीक है, जर्मन, ठीक है, ये एग्जांपल हो जाते हैं इनके। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप के होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल होता है, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल, आप एक होता है सॉलिड इन सॉलिड
सब्स्टिट्यूशनली मिक्स करें, सब्स्टिट्यूशनली मिक्स करो, जैसे आप दो, ये कब वो फाइन वैलिड होता है, जब आप दो सॉलिड को मिक्स कर रहे हो और दोनों के एटम ऑलमोस्ट क्या सेम साइज के, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड तो कुछ इस तरीके से होता है, एकदम क्लोजली पैक्ड होता है, अब सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कोई एक जो नॉर्मल एटम होगा उसको कोई फॉरेन एटम क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, एक जो नॉर्मल एटम होगा उसको क्या करता है, फॉरेन एटम क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल एडिशन बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड को, ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल एडिशन इन, जैसे कॉपर, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, ब्रास, तांबा, तांबा किसका होता है, तांबा कॉपर और जिंक का होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, कॉपर 29 का, जिंक 30 का है, तो ये क्या करेंगे, इनका जो भी अलॉय मिक्स होगा, इनका अलॉय जो बनता है, दिस इज फॉर्म बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशनल एडिशन, मतलब वो क्या होंगे, कॉपर में से थोड़े थोड़े एटम जो होते हैं जिंक में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। बाकी दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल में क्या होता है, इंटरस्टिशियल में क्या होता है, दोनों सॉलिड के साइज का एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन मैं सॉलिड कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो छोटा वाला साइज का जो सॉलिड होता है वो यहाँ इस पर्सनल, ये जो गैप है ना, दो जो सॉलिड्स के बीच में जो एक गैप है, इसी को हम इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरस्टिशियल वॉइड, डोंट वरी सॉलिड स्टेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो जो एटम्स के बीच का जो गैप होता है उनको इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं, और इनके बीच में जाके वो एटम क्या जाता है, आ जाता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सब्स्टिट्यूशन, इंटरस्टिशियल बोलते हैं हम, ठीक है, इंटरस्टिशियल सॉलिड इन सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है स्टील, क्या होता है, स्टील, स्टील किसका बनता है, आयरन प्लस कार्बन का, तो आयरन के इंटरस्टिशियल वॉइड में क्या करता है, कार्बन एटम आ जाता है, जिसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी देता है, ठीक है, इस वजह से स्टील मेरा ज़्यादा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू आयरन, ठीक है। तो ये पहला टाइप ऑफ है सॉलिड इन सॉलिड का। दूसरा टाइप है मेरा सॉलिड इन लिक्विड, जब आप क्या कर रहे हो, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, सॉलिड डिजॉल्व्स इन लिक्विड एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, जो भी 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड लास्टली डिजॉल्व कर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब इसको दो, आप किसी चीज़ को डिजॉल्व कर रहे हो सॉलिड को इसके अंदर लिक्विड के अंदर, तो वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो सॉलिड की लैटिस एनर्जी होनी चाहिए वो हमेशा कम होनी चाहिए किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, ये हम ऑलरेडी पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो जब लैटिस एनर्जी बहुत कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा, तभी तो वाटर के अंदर क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर सॉलिड की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ऑब्वियस बात है वो सॉलिड कभी भी डिजॉल्व नहीं हो सकता। क्यों, अगर आप चौक को देखोगे, चौक को पानी में डिजॉल्व करो तो चौक का लैटिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है वाटर के हाइड्रेशन एनर्जी से। आप एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाई नहीं करते तो वही वाटर की जो अपनी एनर्जी होती है वही उसको तोड़ने का काम करती है, ठीक है। लेकिन आप चीनी को या नमक को डिजॉल्व करो तो नमक ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि नमक का लैटिस एनर्जी होता है वो हाइड्रेशन, वाटर के हाइड्रेशन एनर्जी से काफी कम होता है। तो अगर आप चम्मच नहीं भी फिराओगे, नमक को डाल के छोड़ दो आप 4-5 घंटे के लिए पानी के अंदर, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड की, तो लिख देता हूँ मैं इसमें, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन एंड अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। मतलब जितना 100 ग्राम में जो अमाउंट डिजॉल्व हो गया लिक्विड में उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, उस सॉल्यूड की या उस सॉल्ट की हम सॉल्युबिलिटी
करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, एनी सॉलिड विल बी सॉल्यूबल, एनी सॉलिड विल बी सॉल्यूबल इन द वाटर और नॉट इन द वाटर और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय will be decided by किसे डिसाइड किया जाता है, दो टाइप के एनर्जी से, will be decided by two type of energy, ठीक है। पहला होता है मेरा हाइड्रेशन एनर्जी, क्या होता है हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको हम क्या करते हैं HE से डिफाइन करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं HE से, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, क्या बोलते हैं हम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। और सेकेंड टाइप की एनर्जी होती है जो मेरी होती है लैटिस एनर्जी, क्या होती है लैटिस एनर्जी, तो LE, तो ये क्या होता है, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, लैटिस मतलब उसका जो भी सॉलिड बना होगा ना वो एक तरीके का एक लैटिस है, कोई भी शेप उसका लैटिस ही माना जाता है, ऐसा शेप का हो या किसी भी शेप का हो वो कोई ना कोई शेप फॉर्म किया और जो शेप फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज किया होगा उसी को हम क्या बोलते हैं लैटिस एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको लैटिस एनर्जी। तो किसी भी सब्सटेंस को डिजोल्व करने के लिए हाइड्रेशन एनर्जी क्या होना चाहिए लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी वो सब्सटेंस क्या होता है सॉल्यूबल होता है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम रहती है तो हम इसको क्या बोलते हैं इनसॉल्यूबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको इनसॉल्यूबल। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखो ये तो एक तो ये तो बात हुई भैया, चलो एक कंडीशन है कि आप किसी चीज़ को डिजोल्व कर रहे हो तो एक कंडीशन डिफाइन करें कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी वाटर का हाइड्रेशन एनर्जी एनी हाउ वाटर के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि जितना आप अमाउंट ऑफ सॉलिड उसमें डालो तो उसकी सारी के सारी लैटिस को क्या कर सके तोड़ सके। तो इस वजह से अगर वो तोड़ दिया उसको तोड़ने में सक्षम है इसका मतलब वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन एक कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो अब किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहला डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, वो आपने एक डिफाइन किया लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब अगर सॉल्वेंट मेरा क्या होता है ये हमेशा ये किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इट फॉलोज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक डिजोल्व लाइक को फॉलो करता है, मतलब पोलर हमेशा पोलर सॉल्यूट जो होगा हमेशा सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट हमेशा सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर विल बी सॉल्युबल इन पोलर, कहने का मतलब है पोलर विल बी सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर will be soluble in non-polar, समझ में आया, ये इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो अगर आप सोचो कि बेंजीन को वाटर में डिजोल्व कर दे तो वो कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा फैक्टर होता है मेरा टेम्परेचर। अब आप उसे देखो, अगर आपकी सब्जी गर्म है तो गर्म सब्जी में देखो क्या होता है, अगर आप नमक को डिजोल्व करो तो जल्दी डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप ठंडे सब्जी में डिजोल्व करो तो नमक डिजोल्व नहीं होता, क्यों, टेम्परेचर हाई होने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है किसी भी सॉलिड की बढ़ जाती है उस लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, अगर मेरा एंडोथर्मिक है, क्या है एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक है मतलब क्या होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट जो हो जाएगा बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी
ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इंक्रीजेज। लेकिन एक्सोथर्मिक में अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, घट जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको से देखो, अगर कोई सॉल्ट प्लस वाटर है और ये कोई सॉल्यूशन बना रहा है, ये हालांकि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर एंडोथर्मिक है तो हीट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन बनाना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर वही एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है और हीट बढ़ा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो उसी प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक ले रहे हो या एंडोथर्मिक ले रहे हो। आई बात समझ में? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का आ रहा है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेनरीज लॉ जिसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये सारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको, जो बाकी नौ टाइप के सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जैसे तीन टाइप के सब्सटेंस है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उस इन तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे, थ्री का पावर थ्री, तो नौ टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें मैंने फोकस उन्हीं तीन टाइप के सॉल्यूशन में किया जो इंपॉर्टेंट है। बाकी के सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, बाकी उनकी जो तीन टाइप के सॉल्यूशन के फैक्टर्स बता दिए मैंने आपको, इन बातों पर डिपेंड करता वो भी बताएं कि इनके टाइप क्या होता है, वो भी बता दिया मैंने, ठीक है। जो लास्ट हमारा बच रहा है, जो अब हमारा चैप्टर दी एंड पे है बस ऑलमोस्ट, ठीक है, जो हमारा लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कैसे होगा, और इसी ये जो लॉ था यही हेनरीज लॉ होता है। क्या होता है ये? हेनरीज लॉ। हेनरीज का लॉ ये मानना था कि सॉल्युबिलिटी, अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज directly proportional to pressure at which it is dissolved, ठीक है भाई। किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करता है, उसका डिपेंड करता है कि उस गैस को कितने हाई प्रेशर से आप क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आप कोल्ड ड्रिंक देखो, कोल्ड ड्रिंक जब ठंडा रहता है, बिल्कुल चिल्ड, आप क्या बोलते हो भैया, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक देना एकदम, तो जब आप चिल्ड कोल्ड ड्रिंक को खोलते देखो, फटाक से आवाज आता है, इसका मतलब उसका मतलब जो मीठे, एक्चुअली वाटर का टेस्ट, उसमें जो लिक्विड रहता है उसका टेस्ट क्या आता है, बिल्कुल शुगर वाटर रहता है। आप उसमें अगर जितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करोगे उतना टेस्ट अच्छा रहता है। तो जब बिल्कुल चिल्ड जो रहता है उसमें खटाक से आवाज देखो, तो खटाक से आवाज आता है उस कोल्ड ड्रिंक में, क्यों? क्योंकि CO2 जो होता है वो हाई प्रेशर में डिसॉल्व किया जाता है और फिर ढक्कन को बंद किया जाता है। लेकिन अगर वही गर्म हो जाता है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, किसी भी गैस की लिक्विड में कम हो जाती है। आई बात समझ में? क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ऐसे एग्जांपल आप ऐसे समझो, जब आप कोल्ड ड्रिंक में क्या करते हो, अच्छा ये सब एग्जांपल तो खैर मैं बाद में दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर जितना लो होगा, प्रेशर जितना ज़्यादा हाई रहेगा, किसी भी गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या रहता है, उन बातों पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूँ, लेट पी इज अ, मेरा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, क्या है मेरा पी, क्या है मेरा पार्शियल प्रेशर है गैस का, और एक्स क्या है मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस,
क्या है मोल फ्रैक्शन, मतलब मोल फ्रैक्शन भाई कितना सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया जितना पार्शियल प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी गैस में। तो जब ये साइन हटता है तो ये आ जाता है के एच इंटू एक्स आ जाता है, क्या आ जाता है के एच इंटू एक्स, और इसी के एच को हम क्या बोलते हैं हेनरिस कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं वेयर के एच इज नोन एज हेनरिस कॉन्स्टेंट। ऑब्वियस बात है जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब मोल सॉल्यूशन के अंदर, मतलब उस लिक्विड और गैस के सॉल्यूशन के अंदर गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा प्रेशर गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में? अब ये के एच पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन क्या होता है तो इसी पर बात चर्चा करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच, आखिर के एच किन किन बातों पर डिपेंड करता है। देखो तो पहला क्या होता है, इसका और प्रेशर का यूनिट सेम होता है, कैसे, अगर x को 1 ले लो तो के एच का यूनिट क्या होगा प्रेशर के बराबर। तो पहला तो कैरेक्टर क्या होगा, इट हैज सेम यूनिट एज प्रेशर, जो प्रेशर का यूनिट है वही इसका यूनिट होगा, ठीक है। सेकेंड बात क्या हो गई, हर गैस का अपना के एच का वैल्यू होता है, तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ के एच, डिफरेंट gases have different value of KH, ठीक है। तीसरा फैक्टर क्या होगा, तीसरा फैक्टर होगा कि किसी भी KH का, अगर मान लो किसी भी गैस का KH का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बेसिकली के क्या होता है, हर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उस पर्टिकुलर गैस का KH का वैल्यू भी क्या होता है घटिया बढ़ सकता है। तो के एच वैल्यू फॉर अ गिवन गैस अच्छा एक बात और, जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूं तो उसका के एच का वैल्यू डिफरेंट होगा, हाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट सॉल्वेंट में अगर आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो उसके के एच की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। आई बात समझ में? मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, हर गैस के एच की वैल्यू क्या होती है डिफरेंट, ये उसका अपना नेचर होता है। देखो यहाँ पे भले टेम्परेचर पर डिपेंड जरूर करता है लेकिन वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है, हर गैस का अपना के एच का वैल्यू होता है, एंड इट विल डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट, वो किस सॉल्वेंट पे वो डिसॉल्व कर रहा है। H2O में डिसॉल्व करोगे तो के एच का वैल्यू डिफरेंट होगा, मान लो बेंजीन में डिसॉल्व करो तो के एच का वैल्यू डिफरेंट होगा, मान लो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करो तो के एच का वैल्यू क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो के एच वैल्यू फॉर अ गिवन गैस, के एच वैल्यू फॉर अ गिवन गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट, is different in different solvent, is different in different solvent and it increases with increase of temperature, ठीक है। अच्छा एक बात और, के एच का वैल्यू अभी मैंने आपको क्या बोला, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा के एच का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर मैंने आपको क्या बोला, जैसे आप याद करो कि ठंडे कोल्ड ड्रिंक, आप क्या अगर एक कोल्ड ड्रिंक बाहर धूप में रखा हुआ और एक कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखा हुआ है, तो धूप में जो गर्म कोल्ड ड्रिंक होगा जब उसको पियोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट नहीं आया, क्यों बेटा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने से सॉल्युबिलिटी गैस की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो के एच का वैल्यू कितना हो गया, बढ़ जाएगा, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो आप ऐसा बोल सकते किसी के एच, किसी गैस की के एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस टेम्परेचर पे लिक्विड में क्या होती है, कम होती है। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, समझ में आई। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ, मैं लिख देता हूं, हायर इज द वैल्यू ऑफ के एच ऑफ गैस ऑफ ए गैस, लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी उतनी ही कम रहेगी। आप के एच को देखो, के एच क्या होगा, पी बाई एक्स हो जाएगा,
प्रेशर मान लो अगर आपने कांस्टेंट रखा तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी X की वैल्यू उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी, मतलब उसका सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा सॉल्यूशन में उतना ही कम हो जाएगा। अगर मैं पार्शियल प्रेशर वर्सेस X का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये ग्राफ कैसा देगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था JEE 2009 के अंदर, ठीक है, JEE एडवांस 09 में क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था मैं लिख देता हूँ आपको, हेनरीज लॉस कांस्टेंट KH, ठीक है, N2 गैस का KH का वैल्यू उसने दिया हुआ था 10 का पावर 5 atm, ठीक है, कितना दिया 10 का पावर 5 atm, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज इक्वल टू 0.8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0.8 दिया हुआ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 moles of water dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and कितने प्रेशर पर डिसॉल्व किया गया, 5 atm प्रेशर पर डिसॉल्व किया गया। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो इस कमरे में एयर है और इस एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कितना है, मान लो 0.8 है नाइट्रोजन का। मैंने क्या कि इस कमरे में पानी फेंका जो 10 मोल कंटेन कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है उसमें ऐसा बोला गया कि भाई इस टेम्परेचर पर ऐसा माना जा रहा है कि नाइट्रोजन का कुछ मोल डिसॉल्व हुआ है, वो कितना डिसॉल्व हुआ है वही आपको बताना है। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि बहुत हार्ड भी नहीं था। मुझे पता टोटल 10 मोल्स वाटर के कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स है, ठीक है, और मुझे पता है प्रेशर ऑफ एयर कितना दिया हुआ उसने, तो ये जो एयर का जो 5 atm प्रेशर है वो किसका है, एयर का है, तो एयर का प्रेशर हो जाएगा 5 atm। अगर मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 तो क्या होता, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर उसने दिया 5 atm और मोल फ्रैक्शन कितना 0.8, तो 0.8 इनटू 5 कितना हो जाएगा 4 atm, मुझे पार्शियल प्रेशर पता चल गया। और अगर मुझे क्या करना, मोल फ्रैक्शन निकालना है N2 का वाटर के अंदर, तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हुआ KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि भाई वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व हुआ मेरा नाइट्रोजन, तो प्रेशर कितना है 4 atm इनटू 10 का इज इक्वल टू कितना होगा 10 का पावर 5 इनटू x का N2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना हो जाएगा 4 इनटू 10 का पावर माइनस 5। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि एक ऑप्शन 4 × 10⁻⁵ था, और एनालिसिस ऐसा बता रहा था उस साल JEE के पेपर में, एक्चुअली ये जो था जिस साल मैंने JEE दिया था उससे एक साल पहले का ये क्वेश्चन था, उस मैक्सिमम ने आंसर 4 × 10⁻⁵ किया था, बच्चा इसके आगे सोच ही नहीं पाया। उसका रीज़न क्या था, देखो जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, उसने क्या पूछा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, तो ये बात सही है कि ये बराबर कितना होगा मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑलमोस्ट हम क्या मानते हैं किसी भी सॉल्यूशन का 1 मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि अब मान लो अगर मेरा ये मोल्स कितना है, टोटल मोल्स कितने थे 10 थे वाटर के, ठीक है, या आप पकड़ के चलो 1 मोल थे वाटर के, और सपोज करो जो भी मोल थे 1+x something जो भी है, तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू जो हो क्या होगी वो कम होगी। मतलब अगर आपने वाटर के टोटल 1 मोल माने, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बेटा मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन हम जो डिनोट करते हैं, ये जो मोल फ्रैक्शन होता है टोटल 1 मोल सॉल्वेंट में होता है, कितना 1 मोल, क्योंकि 1 मोल का ही आधा आधा पार्ट हम डिवाइड करते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या भाई, एक पार्ट है सॉल्यूशन का, मतलब टोटल सॉल्यूशन का मोल कितना है 1, और उसी में से कुछ पार्ट सॉल्यूशन को जा रहा है और कुछ पार्ट सॉल्वेंट को जा रहा है, मतलब आपने टोटल सॉल्यूशन के 1 मोल को कुछ पार्ट सॉल्यूट को दिया कुछ पार्ट सॉल्वेंट का दिया, वही तो मोल फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब टोटल मेरा कितना चाहिए था 1 चाहिए था, तो ये जो ओवरऑल था मेरा, ओवरऑल जो था वो मेरे 1 में था, मतलब ओवरऑल मैंने वाटर का मोल कितना लिया, मैंने 1 लिया,
तो और मेरा मोल्स ऑफ N2 कितना आ रहा है, 4 × 10⁻⁵, तभी तो ये रेशियो 4 × 10⁻⁵ आना चाहिए। तो 1 में से मैं 4 × 10⁻⁵ क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन वो कब, जब मैं 1 मोल ले रहा हूँ वाटर का, लेकिन वाटर का मैंने 1 मोल नहीं लिया, वाटर का मैंने कितना लिया 10 मोल, तो टोटल नंबर ऑफ N2 के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 4 × 10⁻⁵, अगर 1 में 4 × 10⁻⁵ है तो 10 में कितने होंगे, × 10, तो 4 × 10⁻⁴ था। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनिशियली जो आपने डिजोल्व किया होगा वो हम 1 मोल वाटर में डिजोल्व, ये रेशियो 4 × 10⁻⁵ तभी आ सकता है जब मोल्स ऑफ N2 डिवाइड करोगे 1 + 4 × 10⁻⁵, तो 1 में से अगर इस चीज को नेगलेक्ट कर दोगे तभी तो मोल्स ऑफ N2 कितना आएगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 4 × 10⁻⁵, मैथमेटिकली सोचने की कोशिश करो। लेकिन ये तब होगा जब हम यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप मोल फ्रैक्शन लेते हो, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेते हो तो ओवरऑल नीचे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हम हमेशा सॉल्यूशन का टोटल मोल्स कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा मोल्स की टोटल कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, तो ये तो 1 में था, तो 10 में कितना होगा, 10 से क्या करना था, हमें मल्टीप्लाई करना था। आई बात समझ, तो दिस इज वाज योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सो ये पार्ट आपको क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं, कुछ लिमिटेशन है हेनरीज लॉ के, मतलब आप हमेशा हर कंडीशन पे हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो इनकी क्या लिमिटेशन है वो हम देखते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, पहला लिमिटेशन क्या, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब या 10 या 48 एटीएम में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, तो उतने में एटीएम पे तो बेटा कंटेनर ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो गैस की तो क्या औकात है। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ ए गैस इज नॉट टू हाई, इज नॉट टू हाई, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि -40 डिग्री पे आप -10 डिग्री पे, तो गैस तो छोड़ो, वाटर भी पूरा सॉलिड बन जाएगा। तो टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, कि गैस जो डिसॉल्व होगा वो बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हाईली सोल्यूबल होगा तो गैस पूरा डिसॉल्व हो गया तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप पेप्सी में जो देखते हो, तो थोड़ा जब आप खटाक से खोलते हो देखो सफ़ेद धुआं निकलता है उसके अंदर। सफ़ेद धुआं क्यों होता है, क्योंकि वो थोड़ा पार्ट डिसॉल्व हुआ, मतलब अगर पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो वो सोल्यूशन कहाँ रहा, वो तो प्योर गैस हो गया, तो मोल फ्रैक्शन 1 नहीं हो सकता किसी, मतलब बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। तो गैस शुड नॉट बी हाईली सॉल्युबल, गैस बहुत ज्यादा हाईली सॉल्युबल भी नहीं होना चाहिए। और एक बात और, गैस सॉल्युबिलिटी हो, अगर गैस डिसॉल्व हो रहा था वेल एंड गुड है, लेकिन वो गैस रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर वो रिएक्शन कर जाएगा तो ये हेनरीज लॉ अप्लाइड नहीं होता, ठीक है। ये कंडीशन होती है हेनरीज लॉ की। तो गैस शुड नॉट अंडरगो, चौथा क्या कंडीशन है, गैस शुड नॉट अंडरगोज एनी रिएक्शन विद सॉल्वेंट, एनी रिएक्शन विद सॉल्वेंट, गैस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद सॉल्वेंट, ठीक है, एंड एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्वेंट, और नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन टेक्स प्लेस इन सॉल्वेंट, ठीक है, ना ही
एसोसिएशन होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। गैस को सिर्फ गैस के रूप में ही डिसॉल्व होना है, दैट्स इट। अगर वो गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर गया तो एक्वस में चला गया, तो एज इट इज उसकी मजे वाली बात नहीं रहेगी। तो बहुत कम डिसॉल्व होना चाहिए, बहुत कम, ठीक है। तो उसी तभी मेरा क्या होता है, हेनरीज लॉ अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, आखिर इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो देखो। अब आप याद करो, बेसिक एग्जांपल तो क्या है, कोल्ड ड्रिंक में। भैया कोल्ड ड्रिंक जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा CO2 का टेस्ट उतना ही आता। अब आप ऑब्जर्व करो, गर्मियों में क्या होता है ना कि गर्मियों में नदी का जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर, मतलब जो नदी का टेम्परेचर होता है, अपर लेयर का जो पानी रहता है नदी के अंदर वो गर्म होता है। तो गर्म रहेगा तो अभी से मैंने आपको क्या बोला, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी हाई टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर पानी गर्म है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उस केस में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं ना, वो हमेशा ठंडे पानी में रहना बिलीव करते हैं। क्यों? ठंडे पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो अच्छे से सांस ले पाते हैं। लेकिन गर्म पानी में क्या होता है, हाई टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इस वजह से एक्वेटिक एनिमल क्या प्रेफर करते हैं, लो टेम्परेचर वाले वाटर में। इसलिए क्या होता है, जब गर्मी होता है ना, अपर लेयर में कभी भी कोई भी मछली नहीं मिलेगी आपको, मछली हमेशा लोअर लेयर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि पानी नीचे क्या रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है, ठीक है। तो यही होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ, इसका दो ही एग्जाम्पल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन कोल्ड ड्रिंक, दूसरा क्या है एग्जाम्पल, हालांकि बहुत सारे हैं तो आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, बट मैं दो तीन ही एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पे। एक्वेटिक लाइफ इज कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ये तो दो एग्जाम्पल हो गए, तीन चार एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ बट आपको मैं लिखवाऊंगा नहीं, तो उन चीज को याद रखिए। जैसे जो स्कूबा डाइवर वाले होते हैं, या जो बहुत ज़्यादा गोताकार नहीं होते, जो नीचे जाते हैं समुद्र के, बिल्कुल नीचे जाते हैं समुद्र के नीचे जाने पे वो रिसर्च वगैरह करते हैं, भाई कोई एनिमल वगैरह कोई प्लांट्स वगैरह रिसर्च करते हैं जो समुद्र के नीचे जाते हैं, वो देखो लिक्विड वो ऑक्सीजन लेके जाता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, सिर्फ ऑक्सीजन रहता था। अब हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि समुद्र के नीचे जाओगे, समुद्र के नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जो टंकी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन में क्या होता है, वो ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है हमारे खून के अंदर। और जब वो खून में बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, तो जैसे ही वो समुद्र ऊपर आता है तो प्रेशर घट गया, तो वो क्या करता है, आरबीसी के होल से वो ऑक्सीजन पास करता है। आरबीसी एक तरीके के छलनी टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है, रेड ब्लड सेल का, तो उसमें से वो पास करता है। तो उसको बीमारियाँ होती है, उसको उल्टी आने लगती है, सर दर्द होने लगता है, कभी कभी स्पॉट डेथ भी हो जाता है, एनोक्सिया जिसको हम बोलते हैं, एनोक्सिया होने लगता है उसको, ठीक है। इरिटेशन होता है, लाल हो जाता है पूरा शरीर, ठीक है। तो अब फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, भाई प्योर लिक्विड ऑक्सीजन के बजाय वो क्या मिक्स कर देते हैं उसके अंदर, हीलियम। तो हीलियम मिक्स करने से क्या होता है, वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर से वो डिसॉल्व तो होगा, लेकिन वो रेड ब्लड सेल से क्या करेगा, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो उसके साथ हीलियम भी मिला हुआ। तो ये भी एक हेनरीज लॉ का एक एप्लीकेशन है। दूसरा एक से एप्लीकेशन आप ऐसे पढ़ो, मेरे फाइटर प्लेन होते हैं ना, जेट प्लेन, तो जेट प्लेन क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में, तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इससे देखो वो ऐसे मास्क पहने रहते हैं, वो मास्क क्या करता है, उस मास्क एक तो कम्युनिकेशन का भी काम करता है और दूसरा क्या काम करता है, उसमें से ऑक्सीजन भी आते रहते हैं। तो जो भी पायलट ऊपर जो उड़ते होंगे हाई एल्टीट्यूड पे, उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि हाई लो प्रेशर पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि एयर में अगर प्रेशर लो रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, एयर में कम हो जाएगी, इस वजह से वो ऑक्सीजन वगैरह लेते रहते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आप ऐसे सोच सकते हो, जो मेरे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं उनकी दिमाग की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती। क्यों नहीं ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब वो ऊपर जाते हैं हाई पहाड़ पे जाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो प्रेशर लो हो जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा उतने दिमाग के बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हेनरीज लॉ के ही है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें सब समझ में आएंगे। कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा और बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप सो आपने जो भी पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ा होगा। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप प्लीज़ पर्सनली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। आपको कुछ देखिए, मैं फिर से आपको ये समझाने के, जो आपने पहले लॉकडाउन में गलती किया उसको दोबारा ना दोहराएं। तो आप कभी भी आपको लगता है सर मुझे डाउट्स, आप मुझे पर्सनली बताइए, मैं आपको ऑब्वियसली बात है, मैं पर्सनली हम वीडियो कॉल पर मैं आपको समझाऊंगा। डाउट सेशन में हो सकता है आपको नहीं शर्म आती होगी, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आई होप आप सब अपने घर पर रहें, बाहर ना निकलें।
थैंक यू वेरी मच।